हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है तो मैं रूही माही को दूध हॉर्लिक्स दे रही हूँ, ठंडा कर रही हूँ। बहुत गर्म है, सुबह सुबह बच्चों को देना हेल्दी रहता है, इसके लिए मैं देती हूँ। और उसके बाद मैं चावल चुन रही हूँ और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खाना बन रहा है। मैं ये चावल चढ़ा दी हूँ, भात बन रहा है वहाँ पे, और आलू उबाल के पहले ही रख ली थी। और यहाँ पे बन गया उनके लिए चने की सब्जी। मैं इसी में आंवला डाल दी हूँ चटनी बनाने के लिए, थोड़ा घुल जाता है। वैसे तो पका के बनाते हैं आग पे, पर आग पे मैं सेकती नहीं हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ पानी उबलने के लिए, या चावल बन जाता है तब। तो आंवला उबल चुका है, अब मैं जा रही हूँ चटनी पीसने। उनको चावल, चने की सब्जी और चटनी, सलाद, ये सब का भोग लगाऊंगी। रोज़ का रूटीन है मेरा यही, मैं रोज़ रोज़ सुबह सुबह खाना बना के बगैर लहसुन प्याज के उनको भोग लगता है, तो मैं भोग लगाती हूँ। देखिए, मैं मिक्सर है मेरे पास, पर मुझे चटनी सिलबट्टे का ही अच्छा लगता है, इसके लिए मैं सिलबट्टे यूज़ करती हूँ ज़्यादा। और घर में मेरे सबको इसी सिलबट्टे का चटनी ही पसंद है। तो मैं चटनी पिसा गया, उनका थाली लगा दी हूँ, और अब मैं लाई भोग के लिए। देखिए, उनको भोग लगा रही हूँ। आप लोग कैसे लगाते हैं भोग, कमेंट करके बताइएगा ठाकुर जी को। मैं अब पानी पिला रही हूँ, क्योंकि भोजन के बाद तो सबको पानी चाहिए, इसके लिए मैं उनको भी पानी पिलाती हूँ। और यहाँ पे कपड़े धोने आई हूँ। चलिए राधे राधे। अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि आज छोटा सा ही ब्लॉग बना पाई हूँ। इसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।